गुड मॉर्निंग बेटा, लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ लाइंस एंड एंगल्स। टुडे यू हैव रिवीजन टेस्ट, फर्स्ट रिवीजन टेस्ट यू हैव, एंड टेस्ट इज एट व्हाट टाइम? 2 o'clock। ठीक है, इट्स कंपल्सरी फॉर ऑल ऑफ यू टू गिव द टेस्ट। Find angle C here. Do these questions hurry up? First question done. Answer of first question is POY is 90। इसका मतलब A और B का सम भी क्या हो गया? Is it so? अगर ये 90 है तो इन दोनों का सम भी क्या हो जाएगा? 90, क्योंकि रेशियो दे रखी है, ए बी आ जाएगा। यहाँ बी फाइंड करना है, बी बी एंगल की रेशियो कितनी है? 3 upon 5 into 9। ये किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं? बी की। ए की फाइंड करनी हो तो 2 by 5 into 90 कितना आ रहा है यहां से? 54। ये 54 आ गया, ये क्या बन रही है? स्ट्रेट लाइन। ये 54 है तो ये कितना आएगा? 126 डिग्री। आंसर इज 126 डिग्री। नेक्स्ट करो, कौन से टाइप ऑफ एंगल है ये? हाँ जी, ऑब्ट्यूज। ये ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज है ये वाला,
ये रिफ्लेक्स एंगल है, ये कौन सा एंगल है? मोर देन 90 है ना, मोर देन 180 बट लेस देन 360, मोर देन 180 बट लेस देन 360। पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स गिवन है, यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ दीज। एडजेसेंट कौन से होते हैं? वे वन एंगल इज फिनिशिंग एंड द अनदर वन इज स्टार्टिंग। सी ऑप्शन, ए ओ बी एंड बी ओ सी। इज दिस एंगल एडजेसेंट टू दिस? ये एंगल इस बड़े वाले के एडजेसेंट है? ये तो उसके अंदर इंक्लूड है, इंक्लूड नहीं होना चाहिए। जहां एक जैसे हम हैं, नाइन्थ है आपकी एडजेसेंट क्लास है, एडजेसेंट है ना, ये वॉल कॉमन शेयर कर रहे हो ना, और ये वाली जो वॉल है और जो उनकी साइड वाली वॉल है वो दोनों क्या है? नॉन कॉमन आर्म। और जो ये बीच वाली वॉल है ये क्या है? कॉमन आर्म। ये कॉमन आर्म है, ये नॉन कॉमन आर्म है। नॉन कॉमन आर्म शुड बी ऑन द ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, ठीक है, और बीच में कॉमन आर्म होनी चाहिए। लेकिन इस केस में क्या है, ये कॉमन आर्म जो है वो बड़े वाले एंगल के सेंटर में आ रही है। इट इज नॉट कॉमन बिटवीन दीज टू। इसमें ये वाली कॉमन है और वो तो एक साइड पे होगी, तो दैट्स व्हाई दीज टू एंगल्स आर नॉट एडजेसेंट। ये सॉल्व करो फॉर एक्स। चॉक बॉक्स भी दे धैर्य अगर सॉल्व करो। कॉम्प्लीमेंट्री उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 10 है। दो एंगल, एक एक्स और एक 90 माइनस एक्स, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 10 है। इसमें से इसे माइनस करो या इसमें से करो, इक्वल टू 10। माइनस लगाओ, डिफरेंस ब्रैकेट लगाओ, ओपन द ब्रैकेट। अभी भी ये लिखते जाना है ऐसे। 900 लग रहा है। दूसरा एंगल क्या होगा? फोर्टी
फोर्टी, एक फिफ्टी एक फोर्टी, जाओ दोनों का डिफरेंस 10 आ रहा है. आंसर इज 40 एंड 50 एंड द डिफरेंस ऑफ 40 एंड 50 इज 10. स्टार्ट नेक्स्ट. दिस यू आर डन. एक्स कितना आ रहा है, इन सबका सम इक्वल टू 180. नेक्स्ट करो. क्या आ रहा है इसका आंसर? डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90. स्क्वायर के डायगोनल्स भी 90 के बाइसेक्ट करते हैं, पर रेक्टेंगल के नहीं करते. ठीक है, ऐसी स्क्वायर आपसे पूछे तो डायगोनल्स डायरेक्टली बाइसेक्ट ईच अदर एट 90. सो ईच वर्टिकली ऑपोजिट एंगल विल बी 90 एंड हियर ऑल्सो द आंसर इज 90 90. क्वेश्चन करो. सेवन. सौम्या नेक्स्ट आपकी टर्न है.
बेटा बहुत साइड पे कर रहे हो, नजर ही नहीं आ रहा, इधर करो। ठीक है, क्लियर है। ये 50 था, ये भी 50 हो गया। लीनियर पेयर से ये 130 आ गया। 130 प्लस 130 इज 260। आयो सौम्या, फाइन। करो, क्या हुआ? द मेजर ऑफ एन एंगल, एन एंगल, एक एंगल कोई भी, इज मतलब इक्वल टू ए टाइम्स उसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। इसको एंगल को क्या लेंगे? इज इक्वल टू ए टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। क्या होगा कॉम्प्लीमेंट? है माइनस एक्स। एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बोलो? 90 माइनस एक्स। एक्स का कॉम्प्लीमेंट 40 का कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस 40 50 आ जाएगा। 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस 10, ऐसी एक्स का कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस एक्स। करो सब करो। लेट द एंगल भी इधर से स्टार्ट करो। लेट द एंगल भी एक्स, नाइन्टी माइनस एक्स क्या हो गया? ब्रैकेट में लिखो 90 माइनस एक्स। एट टाइम्स, एट टाइम्स का मतलब एट मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस एक्स। ज्यादा इंस्ट्रूमेंट बज गए लग रहा है। चल ठीक, लिखा कर लो, अब कर दिया। कौन गला साफ कर रहा है? कुछ गाने लगा, कुछ गाने लगा। दूसरा एंगल क्या होगा? वन एंगल इज 80 एंड अनदर वन इज 10 डिग्री।
नहीं एक फाइंड कर, एंगल लिखा हो तो एक, एंगल्स लिखा हो तो दोनों, एंगल लिखा हो तो एक एंगल फाइंड करना है, एंगल्स लिखे हो तो दोनों फाइंड करना है। हाँ द मेजर ऑफ एन एंगल मीन्स वन एंगल एक्स हो गया, इज का मतलब है इक्वल टू, थ्राइस का मतलब है थ्री टाइम्स, इट्स सप्लीमेंट, सप्लीमेंट मीन्स यहाँ करना जरा स्क्रीन में विजिबिलिटी हो, बिल्कुल बाहर कर दिया वो, थोड़ा इधर करना, उसके बाद ये स्टार्ट करो। थोड़ा और इधर करो बच्चे, थोड़ा और थर्टी सेवन जगनूर जतिन, ऋषम, कितनी बड़ी मिस्टेक करी है, चेक इट अगेन। अरे इसका मतलब इक्वल टू, पहले ये करो, इसके टू पार्ट्स और हैं, पहले ये करो हैं, इसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से होना है, ए सी और ई का सम बताना है। अब सी तो दूसरी साइड पे है, ये क्या है, और एफ का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है, तो एफ की जगह सी लिख दो, तो आंसर तो सेम ही रहेगा,
ए प्लस एफ प्लस ई 180 है, एफ किसके इक्वल है, सी के इक्वल, इसका आंसर क्या आ जाएगा 180। अभी अगले पार्ट में जरूरत है ये करना, जरा ये बताओ ये ट्रू है कि नहीं, इज इट ट्रू? अभी देखा भी नहीं, यस मैम, नो आंसर। ए प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस सी, चेक करो इज इट ट्रू। ए प्लस बी पहले देखो किसके इक्वल है, ई और डी के इक्वल, इसके इक्वल है ना, ये होना चाहिए था। नहीं ये भी देख लिया करो कि ई प्लस डी की जगह रिप्लेस करके कहीं डी और सी, ई डी तो सेम आ रहा है, हम बोल रहे हैं कि ए प्लस बी जो है वो डी प्लस ई के इक्वल होना चाहिए, डी सेम है। अब देखो सी और ई तो सेम नहीं है कहीं, नहीं है ना, तो मतलब रॉन्ग है स्टेट। बी प्लस, दोबारा बोलो, बी ई के इक्वल है ना, एक और लिखो ये बताओ किसके इक्वल है, बी प्लस एफ इज इक्वल टू डैश, क्या आएगा, हाँ तो क्या आएगा, बी के ऑपोजिट क्या आएगा, ई, एफ के ऑपोजिट ई प्लस सी, ठीक है ये आएगा, क्लियर है, ऐसे कोई भी आ सकते, ये करो। लीजा आ जाओ ये सॉल्व करो, अर्नब आपकी टर्न है, आपकी टर्न है इसके बाद। ठीक है करो करो करो, क्या कर क्या रही हो, ये साइड हो, ये कटिंग नहीं करनी आती इसकी, इन दोनों का सम क्या है, बस वो एक वैल्यू आ गई, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 30, एक्स की वैल्यू क्या आ गई,
वाई प्लस 30। अब एक्स और वाई का सम क्या है? 180। पुट कर दो वैल्यू, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180। एक्स की वैल्यू क्या है? वाई प्लस 30। ये वाई सेम है, 2y इज इक्वल टू 150, वाई इज इक्वल टू 75 डिग्री। अगर y 75 है, यहाँ पुट कर दो 75 प्लस 30, 105। x क्या आ जाएगा? 105। आ जाओ अर्णव, ABC फाइंड करना है इसमें। रब कर दो, इधर इधर इधर, यहाँ स्टार्ट करो, सेंटर में, सेंटर में और सेंटर में, हाँ बिल्कुल यहाँ करो स्टार्ट। ये सारे ही अननोन है, इसका क्या बेनिफिट होगा? सारे ही अननोन है, एबीसी क्या करोगे उसका? लीनियर पेयर देखो कहाँ लग रहा है, उससे करो। हैं? तो लीनियर पेयर लगेगा कहीं ना कहीं, तब जाके सॉल्व होगा, ऐसे नहीं होगा जैसे आप कर रहे हो। नहीं गलती है, 4b प्लस 75, सिर्फ इतना थोड़े लिए पेयर बना रहा है, और क्या आएगा साथ में? करो b ऐड करो साथ में, इक्वल आगे लिखो, आगे लिखो, कितना आएगा आंसर? बी की वैल्यू